हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ एंड दिस इज मीनाक्षी सिंह। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मायरन विनर को। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, मैं एक बार क्लास का लिंक शेयर कर देती हूँ। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ओके एवरीवन, सो आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। गुड इवनिंग रजिया, शिवरतन, पूजा, शिव कुमार, गीतांजलि, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलें सो स्टार्ट करते हैं। जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ पर आप सभी का वेलकम है एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ। क्रैक कर सकते हैं नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, आप लोग मेरे लेक्चर्स जो होते हैं आप लोगों के लिए यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और इस बार जो यूपीएससी का पेपर जो कंडक्ट हुआ उसके अंदर काफ़ी जो क्वेश्चंस थे जो पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो वो बिल्कुल आए थे। ठीक है, जो भी मैंने कराए हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग जो हैं यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी जो है एक नया आप लोगों के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हरी अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल थॉट, कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है 13 जून से। अगर आप करना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल थॉट पर, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 13 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जो रखे हुए हैं 3 मंथ ऑफर जो है वो 4,500 का। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 4,500 का आपको पड़ जाएगा, और 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 7,500 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर ये एक्चुअली मैं थोड़ा अभी जल्दी जल्दी बना रही थी, आपकी क्लास का भी टाइम हो गया तो फटाफट से ये मिस्टेक हो गई। वैसे 6 मंथ लिखा ही है। ठीक है, तो गेट योर प्लस सब्सक्रिप्शन अर्ली बर्ड ऑफर है ये। तो जो भी बच्चे लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो मैं अभी आप लोगों को चैट बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मेरे लेक्चर्स होते हैं आप लोगों के लिए, इसमें लाइव क्लासेस आप लोगों को डेली मिलती हैं, टेस्ट सीरीज हो रही हैं, स्टडी मटेरियल, क्विजेज। अब कल ही की देख लो, कल जो है ना, अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेकर आते हो, तो अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेकर आते हो या 3 महीने का लेते हो या 6 महीने का लेते हो, तो आप लोगों को कल जो है, कल होने वाला है 200 नंबर का टेस्ट, यानी 100 क्वेश्चंस का। ये बहुत ही बड़ा और एक मॉक टेस्ट होगा बच्चों के लिए 100 क्वेश्चंस का। और इसका जो मैंने रखा है पैटर्न, ना तो ज़्यादा इजी है ना ही ज़्यादा हार्ड है, मतलब मॉडरेट रखा है, ताकि बच्चे बिल्कुल एक तरह से ना हो, मतलब बच्चे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार इतने कम मार्क्स आए हैं मेरे, इस तरह से, तो ये भी चीज़ ना हो इस वजह से रखा है मैंने। तो आप लोग जो हैं कल ही, अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कल आप इस पेपर को दे सकते हो। ये पेपर कल की जो क्लास रहेगी संडे को, तो कल की क्लास रहेगी पूरी 3 घंटे की। कैसे, क्या करवाने वाली हूँ 3 घंटे में, देखो ध्यान से। कल आप लोगों का पहले 2 घंटे तो आप लोगों का 100 क्वेश्चंस का टेस्ट चलेगा, 2 आवर्स। ठीक है, सुबह 11 से लेकर 12, 12 से ले 1, ये आपका चलेगा टेस्ट 2 घंटे का। उसके बाद 1 से 2 मैं करवाऊंगी एनालाइजिस।
एक से दो एक घंटे में मैं आप लोगों को करवाऊंगी एनालिसिस, ठीक है। एग्जाम देखो, एग्जाम डेट क्लियर होने के बाद अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट आप लोगों को आ तो जाएगी, लेकिन बेटा ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरा मेरे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लो ही लो, कहीं पर भी लोगे, चाहे कहीं पर भी किसी भी अकेडमी से आप लोगे, किसी भी अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कुछ महीने में या फिर एक महीने में, दो महीने में या तीन महीने में, इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। कभी कभी तो बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ साल प्रिपरेशन करते हैं तब उनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने एक साल और आठ छः आठ महीने की सब प्रिपरेशन में जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है डेट, मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि आप डेट क्लियर हो तभी सब्सक्रिप्शन लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप उस एग्ज़ाम के लिए फिर कैसे प्रिपेयर करोगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद इंटरव्यू होता है, उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे, जब आपसे सामने पूछेंगे आप, चलो जो आपका जेआरएफ हो गया ठीक है, जब आप इंटरव्यू फेस करने गए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब आप बिल्कुल ही नल लो, कुछ आप आंसर ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं आप अगली बार आ जाना पढ़ के आना, लेकिन कोई नहीं करता, वही है लास्ट, वही आपका फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन वही होगा आपका उन लोगों पर, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। अपनी फिल्म को जो अभी आप मेहनत कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो अपनी फिल्म को बहुत अच्छे से ऊंचाइयों तक ले जाना, और फ्लॉप करनी है तो वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो है आप लोगों के लिए, मैं आपको प्रैक्टिस कोर्स भी चल रहा है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस कोर्स एमसीक्यूज पर चल रहा है, इसके लिए भी आप लोग आ सकते हो। वैसे ओरिजिनल प्राइजेस ये हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर बहुत मैं छूट दे रही हूँ, यहाँ पर 3 मंथ ऑफर देखो 4500 का दे रही हूँ, और वैसे इसके ओरिजिनल प्राइस 5500 है, तो आप 1000 रुपीज सेव कर सकते हो। और 6 मंथ का अगर आप लेते हो तो यहाँ पर भी आप लोग क्या कितने कर सकते हो, 1000 रुपीज, 8500 का है, लेकिन ये कितने का पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा आपको 7500 का, ये 7500 का पड़ जाएगा। गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ, आज ही आप अपना सब्सक्रिप्शन लें, और जो कल का 3 घंटे का पेपर जो होने वाला है, ठीक है, जो कल का आप लोगों का 3 घंटे का जो पेपर होगा, ठीक है, उसके लिए आप लोग आ सकते हो अच्छे से। यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों के लिए जो एवरी संडे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, बहुत अच्छा ऑफर है, अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा वाइस पर आप लोगों की क्लासेस होती हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, PDFs प्रोवाइड होती हैं, सारी एवरीथिंग सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और सारी जो PDFs हैं, ऐसा नहीं है कि जो मेरी पहले PDF है वही PDF है, नहीं, मैं उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन करती हूँ, मैं हमेशा मॉडिफाई करके ही आप लोगों को वो चीज़ें देती हूँ। तो जो भी बच्चा आना चाहे, ठीक है, तो आप लोग आएँ, और यहाँ पर अपना ये आपका पूरा टाइम टेबल है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तभी बेल आइकन पे प्रेस करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। डेली 4 PM फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नेट सेट, GRF, यहाँ पर मैं एग्जाम में आप लोगों को करवाती हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग लेकर आई हूँ, आज मैं आपको मायरन विनर टॉपिक करवाने वाली हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो क्लासेस होती हैं फ्री क्लासेस वाइस पे, मंडे होती हैं 4 PM, तो मंडे को जो क्लास होगी 4 PM वो वाइस पर। 1 मंथ टेस्ट सीरीज 500 की मिल रही है, और अर्ली डे जो एवरी डे 50 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। एवरी डे 50 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 1 मंथ टेस्ट सीरीज, तो ये पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में मायरन विनर को। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो बिल्कुल आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों की क्लासेस हैं, जो आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, पूरा सिलेबस कवरअप हो जाएगा, ठीक है। और आप हमें क्या कर सकते हो, आप हमें नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। पहला नंबर है 9205288969, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और जो दूसरा नंबर है वो है 7053003489,
तो ये जो नंबर है आप लोगों का, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा 9205288969 7053003489। अगर आप कॉल करते हो तो कॉलिंग के लिए इसको यूज़ करें, ठीक है, अगर आप कॉल करते हो। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो व्हाट्सएप के लिए इस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। मायरन विनर को बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो है आपके ऊपर है सिलेबस कंप्लीट करना। क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, वहां पर आप लोगों के लिए जो क्लासेस है ना, क्लासेस रिकॉर्डेड है वहां पर, ठीक है, क्लासेस वहां पर मैंने रिकॉर्डेड करवा रखी है। चलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मायरन विनर को, क्या करने वाले हैं, मायरन विनर। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। जब हम बेटा मायरन विनर की बात करते हैं तो ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं इमेज में, ये है मायरन विनर, ठीक है, ये जो आप लोगों का ये इसमें इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये मायरन विनर है। तो मायरन विनर जो है बेसिकली इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था 1931 में। इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में होता है 1931 में। मायरन विनर जो थे वो प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी पढ़ाया, ठीक है, यूएसए में। और जो विनर हैं, विनर अगर आप देखो, इनकी जो डेथ हुई थी बेटा वो ब्रेन कैंसर की वजह से हुई थी 1999 में। यानी हम लोग देख सकते हैं कि जो मायरन विनर हैं, तो मायरन विनर का जो टाइम पीरियड हो जाता है कब से कब तक, 1931 से लेकर 1999 तक हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो डेथ हो गई थी तो वो किस वजह से हुई थी, ब्रेन कैंसर की वजह से हुई थी, अपने ही घर में, कहाँ पर, वेरमोंट, जब ये 68 ईयर्स के थे, जब ये 68 ईयर्स के थे तब इनकी ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगर इसके इनके वर्क की बात करें, ठीक है, तो अलॉन्ग विद रजनी कोठारी ही ऑल्सो फाउंडेड द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शंस, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर वैसे की हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अलोंग विद रजनी कोठारी, रजनी कोठारी जी के साथ ये क्या करते हैं, रजनी कोठारी जी के साथ इन्होंने फाउंड किया था स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन, ठीक है, ये स्टडी करते हैं किसकी, इंडियन इलेक्शन की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फर्स्ट, वो है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें वो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम को बताते हैं, कौन, हमारे मायरन विनर। तो मायरन विनर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया में उन्होंने क्या किया था बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम के डेवलपमेंट को बताते हैं, और ये बुक कब की है, 1957। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटी, तो इसमें पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया को बताया, 1962 की बुक है ये, है ना, किसकी, हमारे मायरन विनर की। तो मायरन विनर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप लोगों को इन पर ज्यादा पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो मायरन विनर हैं, आप लोगों को मायरन विनर से क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की क्लास में, ठीक है। सारे के सारे मैंने जितने भी इसमें किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आज हम काम डिस्कस करेंगे इनके, ठीक है, इन्होंने किस किस पे क्या क्या बोला है, जो इनकी बुक्स हैं, बुक्स में इनका जो बेसिकली इन्होंने बुक्स में क्या लिखा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद और ये किस पर बात करते हैं, सन ऑफ द सॉइल का क्या मीनिंग है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, इस पर भी बात करते हैं, है ना। फिर डॉक्टर भगवती जी ने क्या बोला वो हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर ये क्या बोलते हैं। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन पैराडॉक्स एस इन इंडियन पॉलिटिक्स, अच्छा इनके साथ किसी और ने भी लिखी है, तो बहुत बार आ जाता है कि आशुतोष वात्स में, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ड्यू के पीएचडी में इनका आता है इनसे क्वेश्चन। तो जो ऑथर है मायरन विनर, इंडियन पैराडॉक्स एसे इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बेसिकली हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टू पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर दो कौन कौन से पॉलिटिकल कल्चर हैं जो पाए जाते हैं,
वो हम डिस्कस करेंगे, इलाइटिस कल्चर एंड डेमोक्रेटिक, है ना, ये हम डिस्कस करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, और भी क्लाइंटलिस्टिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, क्लाइंटलिस्टिक क्या है ये। इसके बाद इन्होंने पार्टी सिस्टम को क्या किया था, डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो ये कौन से पार्टी सिस्टम की बात करते हैं वो बात करेंगे हम लोग, फिर आप लोगों का आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम इतनी ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। ये रहे मायरन विनर जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मायरन विनर का जो मायरन विनर है वो कहाँ के हैं बेटा, मायरन विनर आप लोगों के ये हैं आपके न्यूयॉर्क के, यानी अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका में इनका जन्म हुआ था मायरन विनर का। इसके साथ साथ मायरन विनर जो हैं बेसिकली आप लोगों के ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे, ठीक है। इन्होंने जो प्रेगमेटिक्स रहे, प्रेगमेटिक्स पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, शिकागो में पढ़ाया, डेथ जो हुई थी वो ब्रेन कैंसर की वजह से हुई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को जो पढ़ा रही थी वो ये था कि इन्होंने रजनी कोठारी जी के साथ फाउंड किया था द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन, है ना। और इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें ये क्या बताते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम के डेवलपमेंट की बताते हैं, कौन, हमारे मायरन विनर, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बुक है इनकी पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटी, जो पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें उन्होंने प्रेशर्स एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स को बताया था, पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया के बारे में वो इस बुक में बताते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। इसके अलावा जो पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी इनकी बुक है, कब की है, 1967 की, है ना। द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशनल पॉलिसी इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये कब की है, ये 1991 की है। इसके अलावा इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड सिक्योरिटी, ये कब की है बेटा, ये होगी आपकी 1993 की, है ना। और द न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड बॉर्डर लैंड्स, ये कब की हो जाएगी, ये 1994 की हो जाएगी। तो ये मेजर बुक्स हैं, अगर आप देखोगे ये सारी की सारी जो मैंने अभी तक आपको कराई हैं, ये बुक्स हैं इनकी। ये सेकंड बुक हो गई, ये थर्ड बुक, ये फोर, ये फाइव एंड देन सिक्स, ओके। तो ये हो जाएंगी आप लोगों की बुक्स, सबको क्लियर इतना, चले सो आगे चलते हैं हम लोग, और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि और ये क्या बोलते हैं मायरन विनर। मायरन विनर अगर आप देखो तो आपको मैंने बता दिया, रजनी कोठारी के साथ उन्होंने भारतीय चुनावों के अध्ययन की भी स्थापना की थी, है ना। इसके अलावा जो काम है वो इंग्लिश में ही करना सारे बच्चे। इसके बाद जो दूसरे काम आ जाते हैं तो वो ये रहे, द स्टेट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, ये भी बेटा बुक है इनकी, ठीक है। और ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस, द ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस चैलेंज टू स्टेट्स एंड ह्यूमन राइट्स, ये कब की है, 1995 की है, है ना, ये 1995 की हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। इसके अलावा अब देखो इन्होंने क्या क्या बात की, इन्होंने भारत में दलगत राजनीति की बात की। तो भारत में दलगत राजनीति, जब ये बुक है 1957 की, इसमें वो क्या लिखते हैं, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से जन आंदोलन की शुरुआत हुई और इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, बहुदलीय व्यवस्था आजादी के बाद आई, है ना। तो ये ध्यान रखना, भारत में जो दलगत राजनीति 1957, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जन आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना, कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही थी इसमें। इसी चीज को बताते हैं वो, यही बताते हैं कि कैसे असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, फिर वो जन आंदोलन में बदल गया, और फिर कांग्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल रहा, है ना। और फिर उसके बाद कमी की राजनीति, अभाव की राजनीति, ये इस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि भारत में अलग अलग प्रकार के जो समूह हैं उनका विवरण दिया था कि कैसे पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, है ना, जो ये लोग अलग अलग उसके हैं, जैसे कि कोई ह्यूमन राइट्स पे, कोई एनिमल्स पर, इस तरह से। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो इसमें मास मूवमेंट को बताया गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताया मायरन विनर ने, कि कांग्रेस का कैसे बहुत इंपॉर्टेंट और बिग रोल रहा, और मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे आया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में, इस चीज़ को वो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया में बताते हैं। इसके अलावा जो ये हैं आपके पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटी, इसमें विनर ने डिस्क्राइब किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप को, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स को इंडिया में डिस्क्राइब किया कि कैसे जो है इनका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और विनर ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप, कि गवर्नमेंट कैसे जो है वो बेसिकली एबल ही नहीं है,
ठीक है, वो फुलफिल कर ही नहीं पाती है इन ग्रुप्स के डिमांड्स को. देयर इज अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई. तो इसी वजह से बताया कि कैसे डिमांड और सप्लाई में क्या है, बहुत ज्यादा गैप है. क्योंकि जो ये लोग डिमांड करते हैं, क्या सारी डिमांड गवर्नमेंट मान लेगी? नहीं, नहीं मानती ना, तो ये आपको पता ही होगा. इसके बाद उन्होंने सन ऑफ सॉइल, माइग्रेशन एंड एथनिक कंफ्लिक्ट इन इंडिया 1978 वाली बुक में क्या कहा, तो इसमें वो बोलते हैं कि जो सन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है. क्या लगता है आपको सन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? सन ऑफ सॉइल का मतलब होता है उस मिट्टी से जन्मे पुत्र या बच्चे, ठीक है, वो पुत्र या पुत्री जो भी हो सकती है. तो सन ऑफ द सॉइल का मतलब क्या हो गया? मूल निवासी. बोल सकती हूँ मैं मूल निवासी, मूलवासी. मूलवासी जो वहीं के मूल के हों, जो उसी मिट्टी से उपजे हों, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं. तो सन ऑफ सॉइल का मतलब होता है मूल निवासी या फिर निर्जातीय समूह. इस पुस्तक में उन्होंने आंतरिक प्रवास और उससे उपजे जातीय संघर्षों का भी वर्णन किया है. ठीक है, जो इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप्स होते हैं, तो इनमें जो इनका जो प्रवास हो रहा है, कैसे ये जाते जा रहे हैं, और इनमें जो जातीय संघर्ष जो उमड़े हैं, तो उनसे किस तरीके से चीजें खराब होती जा रही हैं, तो उन चीजों का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है. इसके बाद जो मूलवासी हैं, मूलवासी लोग जो हैं बेसिकली आपके, वो बाहरी प्रवासियों द्वारा आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापना से डरते रहते हैं. डरते हैं जो मूलवासी हैं, अगर जैसे मान लो जंगल में जो लोग रहते हैं, तो वो बेसिकली दूसरे लोगों से डरते हैं ना, गवर्नमेंट से डरते हैं कि हाँ भाई वो लोग आएंगे, अच्छा नहीं मानते, बेसिकली अपना दुश्मन मानते हैं, अपना एनिमी मानते हैं कि ये हमारे एनिमी हैं. तो मूलवासी जो लोग हैं वो बाहरी प्रवासियों द्वारा आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापना से डरते रहते हैं और इनके खिलाफ राजनीतिक शांति का प्रयोग करते हैं. और निर्जातीय विविधता व प्रवास, आसाम, जैसे आसाम में मूलवासी की विफलता और प्रवासियों के वर्चस्व ने छोटे नागपुर में आदिवासियों द्वारा बाहरी लोगों को टिकुओं का विरोध आदि का वर्णन है. मतलब काफी हम देखते हैं कि छोटा नागपुर में भी ये चीजें देखी जाती हैं कि आदिवासी द्वारा बाहरी लोगों को विरोध किया जाता है ना. आसाम में भी ये सब चीजें देखी जाती हैं. तो ध्यान रखना, इसके अंदर अगर आप देखो, इसमें लोगों द्वारा बेहतर जीवन परिस्थितियों के लिए होने वाले प्रभाव का भी वर्णन इस बुक में किया है. कौन सी बुक में? सन ऑफ सॉइल में. तो सन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हो गया? इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप्स, है ना. इसमें उन्होंने इंटरनल माइग्रेशन को बताया है, एथनिक कन्फ्लिक्ट को बताया है जो इससे अराइज हुआ. इंडिजीनियस पीपल जो है वो डरते हैं. स्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक कल्चरल डोमिनेंस, कि उन लोगों पर कोई कल्चरल और इकोनॉमिक डोमिनेंस ना बना ले कोई आउटसाइड माइग्रेंट, है ना, और यूज करे पॉलिटिकल पीस अगेंस्ट देम, है ना. तो ऐसा भी होता है. और ये क्या करते हैं, यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी को भी बताया गया है और माइग्रेशन को भी. इसमें बताया गया है कैसे जो इंडिजीनियस पीपल हैं असम में, वो फेल रहे, डिससेटिस्फेक्शन अराइज हुआ माइग्रेंट्स में, और यहाँ पर जो छोटा नागपुर है वहाँ पर ट्राइबल्स का ऑपोजिशन देखा गया है, आउटसाइडर का, कि कैसे वो जो लोग हैं वो आउटसाइडर्स को क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट है, उनका विरोध करते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा, ये सन ऑफ सॉइल वाली बुक में बताया गया है. तो यहाँ पर इम्पैक्ट पीपल का है बेटर लिविंग कंडीशन पर, ठीक है. तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे. इसके बाद एक देखो जो बुक आती है नेक्स्ट, वो बुक है द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशनल पॉलिसी इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव. क्या हमारे मायरन विनर ने चाइल्ड लेबर पे भी लिखा था? तो यस, लिखते हैं ना. अब वो अपनी बुक में बताते हैं, विनर कहते हैं कि वो जो इंडिया है ना, इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन स्कूल चाइल्ड लेबरर्स पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है. तो यहाँ पर बताया गया कि इंडिया में कैसे लार्जेस्ट नंबर्स पर नॉन स्कूल चाइल्ड लेबरर्स पाए जाते हैं, हु गो टू वर्क इंस्टीड ऑफ स्कूल. और वो कहाँ जाते हैं स्कूल के बजाय? काम पर जाते हैं. जाते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत बार, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे बच्चों को, मतलब उनका मन होता है स्कूल जाने का, वो भी सोचते हैं भाई किसे काम करना अच्छा लगता है, ठीक है, वो भी बच्चा छोटा है ना, वो जाए और फिर काम करे, तो मतलब हर कोई स्कूल जाना चाहता है. लेकिन क्या है, जो सर्कमटेंसेस हैं, जो कंडीशन है, और जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि कोई गैंग इसमें शामिल होती है ना जो बच्चों से जबरन काम करवाती है. तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव स्टडी की थी हमारे मायरन विनर ने कंपैरेटिव स्टडी की थी यूरोप, यूएसए और जापान के साथ, किसकी? इंडिया की. तो विनर ने कहा कि रीजन जो है ना चाइल्ड लेबर का इंडिया में, वो कोई इकोनॉमिक नहीं है. ऐसा नहीं है कि भैया पैसों की तंगी है या फिर ऐसा कुछ है, नहीं. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इन कल्चरल फैक्टर है, ठीक है,
इन देशों की तरह, बल्कि सांस्कृतिक कारक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी के पास पैसे नहीं है तो इसीलिए वो नहीं जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर चाइल्ड लेबर ज़्यादा है। नहीं, कल्चरल फैक्टर को बताया था रिस्पॉन्सिबल। देखो हिंदी में पढ़ो आप लोग, इस पुस्तक में विनर क्या कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा गैर स्कूली बाल श्रमिक हैं, जो स्कूल की जगह कहाँ पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, इंडिया का जब कंपैरिजन किया था यूएसए, जापान एंड यूरोप कंट्रीज के साथ, तो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन में ये देखा कि बाल काम का कारण भारत में आर्थिक नहीं है, कि हाँ भाई आर्थिक आर्थिक की वजह से पैसे नहीं है इस वजह से इन देशों की तरह, बल्कि सांस्कृतिक कारक है। उन्होंने कल्चरल फैक्टर को देखा कि कल्चरल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अब डॉक्टर भगवती कहते हैं, जो बुक है ना ये, वो प्रमोट करती है इकोनॉमिस्ट टू द रिकमेंड मोर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन फॉर द पुअर। तो डॉक्टर भगवती जी कहते हैं कि भैया इनकी जब जो हमारे माइनर विनर थे, माइनर विनर ने जब एजुकेशन पर इतना वैसा बोला कि हाँ यहाँ पर मतलब हमें कंपेयर करके सबसे बेकार बताया गया, और ये सच में सच है, ये ट्रू है, इट्स अ ट्रू है ना, तो इन्होंने कहा कि ये तो हमें इस चीज़ को रिकमेंड करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एजुकेशन में, करनी चाहिए। वैसे जैसे रजनी को, जैसे आपको बताइए कोठारी कमीशन ने भी कहा था कि एजुकेशन में वही परसेंटेज बढ़ाओ, है ना, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसीज टू हेल्प पुअर पीपल रिकॉग्नाइज एजुकेशन एज अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, नीतियों को गरीब लोगों की शिक्षा, एक मूल्यांकन, निवेश में पहचान में मदद करने के लिए प्रेरित किया कि क्या होगा, जो पॉलिसीज हैं वो हेल्प करेंगे पुअर पीपल को, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एजुकेशन को एज अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है, और वो कुछ बन भी जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज आ जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी भी बच्चे को नहीं होना कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बुक है 1965 की। इसमें ना विशेषज्ञों ने, जो विशेषज्ञ होते हैं आपको पता ही होगा, स्पेशलिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट ने ये रेज किया, वो उन्होंने पता लगाया था कि ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है, एक्सप्लोर किया उसके इम्पैक्ट को, सिस्टम पर क्या पड़ता है इफेक्ट, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका प्रभाव का पता लगाते हैं, ठीक है, रेज करते हैं न्यू क्वेश्चन, पोटेंशियल रोल ऑफ पार्टीज। तो इसके अंदर, इस बुक के अंदर उन्होंने क्या बताया, एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट जो हैं वो ट्रेस करते हैं वो दल की उत्पत्ति कब हुई, कैसे फिर हुई, एक्सप्लोर करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सिस्टम पर, और यहाँ पर रेज करते हैं न्यू क्वेश्चंस को भी, यानी पार्टियों को संभावित भूमिका के बारे में नए प्रश्न भी उठाते हैं, ठीक है। तो इस बारे में यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इन इंडियन पैराडॉक्स एसे ऑन इन इंडियन पॉलिटिक्स। कभी कभी आप लोगों को मायरन विनर जो है आपके ऑप्शंस में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा सच में, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा आशुतोष वार्ष्णेय। तो आशुतोष वार्ष्णेय आप लोग ध्यान रखना, माइनर विनर और आशुतोष वार्ष्णेय इसके एडिटर रहे थे, ठीक है, इन्होंने मिलकर ही ये बुक लिखी है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो उन्होंने टू पॉलिटिकल कल्चर बताए थे, किसने, विनर ने, मायरन विनर ने। तो मायरन विनर क्या करते हैं, टू पॉलिटिकल कल्चर बताते हैं कि टू पॉलिटिकल कल्चर हैं इंडिया में। तो कौन कौन से, एक तो उन्होंने अभिजनवादी संस्कृति बताया और दूसरा जनवादी संस्कृति बताया। अब अभिजनवादी मतलब समझ रहे हो, जो मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, जो बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिकली भी अच्छे हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में भी होते थे अभिजन, है ना, अभिजन समाज होता था, अभिजन एक वर्ग होता था, उनकी सिचुएशन बड़ी अच्छी होती थी। तो अभिजनवादी संस्कृति बताया और जनवादी संस्कृति बताया टू पॉलिटिकल कल्चर में। तो इसकी विशेषज्ञता बताई कि खुले होते हैं, उदार होते हैं, सहभागी लोकतंत्र पाया जाता है, पंथ निरपेक्ष होता है। अब इसमें एग्जाम्पल आएगा, जैसे नई दिल्ली की राजनीति संस्कृति क्या है, ये राष्ट्रीय नेताओं, नौकरशाह और उच्च सैन्य अधिकारियों की संस्कृति है, ये पाश्चात्यवाद से प्रभावित है, है ना। अगर आप देखोगे, जैसे अगर हम इधर देखें, जैसे हम लोग नई दिल्ली में देखें, तो नई दिल्ली में जैसे जो आपके नेशनल लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिलिट्री अधिकारी हैं, है ना, इनकी जो संस्कृति है, तो वो क्या हो गई, वो बेसिकली इलाइट कल्चर हो गया। सेकंड आता है जनवादी। जनवादी मतलब जो सब लोग होते हैं बेसिकली, जो जैसे हम हैं, जैसे संकीर्ण होते हैं, धर्म, भाषा, जाति, इन सब पर केंद्रित होते हैं, हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन क्या लीडर्स के लिए मायने रखती हैं, नहीं। ये राज्यों की राजधानी के मुख्यालय और स्थानीय संस्थाओं में चलती हैं। ये लोकप्रिय संस्कृति है जनवादी संस्कृति,
ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, ये इलाइटिस्ट कल्चर हो गया, ये डेमोक्रेटिक हो गया, ये ओपन लिबरल होता है, पार्टिसिपेटरी, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, है ना। न्यू दिल्ली की जो कल्चर है वो इसी तरीके का है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, हाई मिलिट्री ऑफिसर्स, ये वेस्टर्निज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। बाहर पाश्चात्य मतलब सोचते हैं कि हाँ भाई भारत को अमेरिका बनाया जाए ऐसे, ठीक है। डेमोक्रेटिक कल्चर जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है, क्योंकि भाई हमसे रिलेटेड है, क्योंकि हम तो सिर्फ कभी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, रिलीजन, कास्ट, रीजन, इन सब से बाहर आ सकते हैं, नहीं आ पाते हैं कभी भी, ठीक है। इंसान कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन रुक रुक जाता वो रीजन पे ही है, कहाँ पर, रिलीजन पे, कास्ट पर, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये नैरो फोकस्ड होती है, ठीक है, ये नैरो फोकस्ड होती है, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, इन सब पर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करती है। ये ऑपरेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और लोकल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कैसा माना जाता है, जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, या फिर आप इसे मास कल्चर भी बोल सकते हो, आप इसको मास कल्चर भी कह सकते हो, क्योंकि जनवादी ऐसे बोलते हैं, तो इसमें ये पॉपुलर कल्चर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पॉपुलर कल्चर, ठीक है। अब मायरन विनर ने ना, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी द इंडियन पैराडॉक्स। अब आप बोलोगे मैम वही वाली जो अभी आपने बताया था कि वो आशुतोष वार्ष्णेय ने एडिट की थी, हाँ बेटा वही वाली, देखो ये रही, इन इंडियन पैराडॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पूछी जाती है, ठीक है, ये पूछी जाती है, इसलिए बता रही हूँ मैं इसके बारे में। तो मायरन विनर ने जो अपनी बुक है इंडियन पैराडॉक्स में भी क्या बताया था, वो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स को बताते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, लिबरलिज्म, साइंटिफिक, है ना, ट्रेडिशनल फीचर जैसे कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इन सबको बताते हैं, तो इन सब का उल्लेख इन्होंने किया है। अब देखो ये वही चीज़ हो गई, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें उन्होंने क्या बताया था, विनर ने बताया कि भारत के सभी दलों में क्या है, गुटबाजी और फूट है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, है ना। तो ड्वेगर का आप लोगों को पता ही है, ड्वेगर ड्वेगर ने बताया कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम चुनाव प्रणाली दो दलीय व्यवस्था को जन्म देती है, ड्वेगर ने बताया था। ड्वेगर का क्या है बताना, ड्वेगर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्वेगर्स लॉ जिसे हम बोलते हैं, ड्वेगर्स लॉ, तो ड्वेगर्स लॉ में उन्होंने कितनी पार्टी सिस्टम बताई थी, टू पार्टी सिस्टम, है ना, टू पार्टी सिस्टम बताते हैं ना, वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना, तो टू पार्टी सिस्टम पे ही उन्होंने मेन फोकस किया था। ड्वेगर्स लॉ में भी वो दो पार्टी सिस्टम को ही उल्लेख करते हैं, उन्होंने टू पार्टी सिस्टम को बताया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। इसके अलावा अगर आप देखो, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, है ना, आप लोगों का, और कौन कौन से हो गए, और आप लोगों के जो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जन्म देती है, भारत में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ने दो दलीय प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ये कृति मुख्य रूप से भारत के पार्टी सिस्टम पर आधारित है, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ड्वेगर्स की बात करते हैं, ड्वेगर्स लॉ की, ड्वेगर्स ने टू पार्टी सिस्टम बताया था ना, वैसे ही। इसके अलावा जो विनर हैं, विनर रीजनलिज्म को भी देखते हैं, रीजन एस्पिरेशन को बताते हैं टू टू फॉर्म्स में, तो इन्होंने क्या किया, क्षेत्रवाद के दो रूपों को देखते हैं, तो कौन कौन से, सजातीयता और दूसरा स्थानीयता, विनर ने स्थानीयता को सजातीयता के संदर्भ में देखा है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा स्थानीय मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलनों को वो सजातीय क्षेत्रीय आंदोलन बोलते हैं, यानी कि देखो दो हो गए, रीजनल एस्पिरेशन में जब वो रीजनलिज्म की बात करते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है लोकैलिटी। तो वो कहते हैं कि जो शिवसेना द्वारा जो भी किया गया है ना, जो भी मुद्दों को लेकर जो भी मूवमेंट किए हैं या कोई विरोध किया है, तो उसको हम सजातीयता में रखेंगे, होमोजेनिटी में रखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो जो कॉन्सेप्ट है क्लाइंटलिस्टिक्स का, तो विनर क्या करते हैं, इसको एक बार इंग्लिश में देखो पहले, विनर ने क्या किया था बेटा, अपनी बुक जो है ना, पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया क्लाइंटिज्म का इन द कंटेक्स्ट ऑफ कास्ट एंड पाथ बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, तो विनर का ही कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, अगर कभी भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंटिसिज्म का किसका है, क्लाइंटिसिज्म, तो मायरन विनर ही आपको याद आने चाहिए, मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि विनर ने ही दिया है, विनर ने ही जो विनर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इन्होंने क्या किया है, जो कॉन्सेप्ट दिया क्लाइंटिज्म का किसके कंटेक्स्ट में, कास्ट और पाथ
पाथ के बीच में, मतलब पाथ बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। तो विनर कहते हैं कि जो लोअर कास्ट हैं साउथ इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं लीडर्स अपनी खुद की पार्टीज के, अपनी खुद की पार्टियां बना ली हैं, लीडर बन गए हैं, है ना। और देयर वॉज अ मॉडल डाउन टू टॉप। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ ऐसा मॉडल चल रहा है डाउन टू टॉप चल रहा है। डाउन टू टॉप मतलब कि सबसे लोअर वाले जो हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे से शामिल हैं किसमें, पॉलिटिकल पार्टीज में। जैसे आप लोगों को याद होगा नाइकर, याद है ईवी रामा स्वामी नाइकर, अंबेडकर, ये बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हैं ये। जस्टिस पार्टी, डीएमके, है ना, द्रविड़ मुनेत्र कशगम। तो ये बेसिकली वो पार्टीज हैं जो बेसिकली ये कास्टिज्म को और ये जो ये उच्च जो ये भेदभाव है, ऊंचा ऊंचा नीचा, ये सबका बिल्कुल वो करते हैं, ठीक है। तो ये विनर क्या बोलते हैं कि जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, अगर हम अपने साउथ में देखें, हम तो नॉर्थ में आ जाते हैं, तो साउथ में अगर आप देखो जो साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने ऑलरेडी क्या कर लिया है, लोअर कास्ट वालों ने अपनी खुद की पार्टीज और लीडर को डेवलप कर लिया है ना। और यहाँ पर मॉडल कैसा चल रहा है, डाउन टू टॉप चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ वहां से ऊपर से ब्राह्मण क्षत्रिय फिर इस तरह से आएंगे, फिर ये नीचे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात करेंगे, ऐसा नहीं चल रहा, डाउन टू टॉप चल रहा है। और वहीं नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, आज भी यहाँ पर टॉप टू डाउन चल रहा है। यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो यहाँ पर टॉप डाउन, वेयर लोअर कास्ट वर डिपेंडेंट ऑन द अपर कास्ट, है ना। नॉर्थ में आज भी यही है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो लोअर कास्ट वाले हैं वो डिपेंडेंट है किस पर, अपर कास्ट पर, फॉर लीडरशिप के लिए, है ना, कस्टमर्स ऑफ अपर कास्ट, तो इन सब के लिए। तो नेशनल लेवल पे जो कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया एथनिक ग्रुप्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बट लोकल लेवल पर कांग्रेस वॉज अ एक्सक्लूसिव पार्टी। लोकल क्लाइंट सिस्टम एंड पिरामिड इज डिफरेंट कास्ट अंडर द सोशल इलाइट। तो वो यही बताते हैं कि लोकल क्लाइंट सिस्टम जो है वो पिरामिड है एक तरीके का, डिफरेंट कास्ट अंडर द सोशल इलाइट, इस वजह से। तो वो यही चीज़ बताते हैं साउथ इंडियन पॉलिटिक्स और नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स कैसे यहाँ पर डिवाइड हो रखी है। अब देखो दो तरीके के उन्होंने क्या किया था, टू पार्टी सिस्टम को बताया था, टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। जो प्रेजेंस आप लोग देखो, जो प्रेजेंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके आधार पर वो टू पार्टी सिस्टम को बताते हैं। पहला हो गया कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम और दूसरा हो गया नॉन कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम। इसमें टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम में वन पार्टी डोमिनेंट, लाइक इंडिया जैसे कांग्रेस काफ़ी टाइम तक डोमिनेंट रहेगी थी ना, 1967 तक डोमिनेंट पार्टी रही थी, और वहीं वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम आपका इसमें दूसरा आ जाता है। तो ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसे कर लेना, लिख रही हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को, सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा ये, है ना। इसकी हिंदी देखो, ये रही इसकी हिंदी, ठीक है, यहां से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो ये वाली पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो मिल जाएगी, तो कहां पर मिलेगी, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, वाइज ऐप पे भी दे दूंगी और टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, लेकिन पहले आपको वाइज ऐप में मिल जाएगी, ठीक है ना। वाइज ऐप पे मैं अभी दे दूंगी आप लोगों को, टेलीग्राम पे बाद में दूंगी, ये ध्यान रखना। तो ये रही इसकी हिंदी आप लोगों की, देखो राजनीतिक दलों की उपस्थिति के आधार पर वो दो दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, पहला प्रतिस्पर्धी पार्टी प्रणाली और गैर प्रतिस्पर्धी दल प्रणाली। इसमें दो दलीय व्यवस्था आ जाती है और बहुदलीय आ जाती है। वहीं गैर प्रतिस्पर्धी दल प्रणाली में एक पार्टी और एक पार्टी सत्तावादी व्यवस्था आ जाती है। क्लियर हो रहा है सब बच्चों को। अब देखो इन्होंने क्या किया था, थ्री टाइप्स के पॉलिटिकल क्राइसिस बताए थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस में मायरन विनर कौन सा क्राइसिस नहीं बताते, ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उन्होंने जो तीन तरीके के राजनीतिक संकट की बात की है तो कौन से नहीं है इनमें से, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो कौन कौन से, यहाँ पर आप लोग देखो तो उन्होंने जो बात की थी क्राइसिस की, तो उसमें पहला क्राइसिस हिस्टोरिकल क्राइसिस आ जाता है, दूसरा लेजिस्टिमेसी क्राइसिस और तीसरा पार्टिसिपेटरी क्राइसिस, ठीक है। किसने, हमारे मायरन विनर ने। तो मायरन विनर बोलते हैं कि इंडिया जो है ना वहाँ पर वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बेसिकली वो पाए जाने वाले दबाव पर नहीं बल्कि सहमति पर आधारित एक दलीय वाले प्रणाली वाले भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि मायरन विनर मतलब 1967 तक की वो करते हैं ना जब पार्टी पॉलिटिक्स बता रहे थे, तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया में,
क्योंकि अभी तक कोई वन पार्टी डिक्टेटरशिप को यहाँ पर कोई वो नहीं कर पाया है, नो इफेक्टिव राइवल। लेकिन अब देखो आप कोई राइवल है क्या? बिल्कुल, अब बीजेपी है, आपको कांग्रेस की बाजी ही नहीं आने दे रही है, नहीं आने दे रही ना। आप लोगों को पता है 2014 में लास्ट थी, फिर 2014 से ही आप लोगों की बीजेपी है ना। तो इंडिया इंडिया जो है बेसिकली, अगर आप देखो तो भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि डिस्पाइट द यूनिवर्सल सफरेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बट इंटरेस्ट ग्रुप आर फेल टू ऑर्गेनाइज, है ना। वो भारत के लिए कहते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार के बावजूद हित समूह संगठित करने में विफल रहे हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं हो पाते हैं। कौन? जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। अच्छा, समझ आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यही मुझे आज टॉपिक आप लोगों को कराना था, ठीक है। इसकी अगर आप स्पेशल क्लासेस में इनरोल करोगे जाकर, ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस का आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर जो भी बच्चा जो है कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल थॉट के लिए आना चाहता है, 13 जून से स्टार्ट हो रहा है, यानी आप लोगों का ये परसों से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 13 जून से। तो 3 मंथ का अगर आप ऑफर लेते हो तो ये 4,500 का, 6 मंथ का 7,500 का, ठीक है। तो वैसे ओरिजिनल प्राइजेस जो हैं इसके, तो ओरिजिनल प्राइजेस जो हैं वो ये हैं। इसमें आप लोगों को 1,000 का पूरा अभी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे आना चाहें आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये कब तक एप्लीकेबल है, तो ये एप्लीकेबल है 13 जून तक ही, 13 जून से तक ही है, ठीक है। मतलब आपके पास 2 दिन और हैं, तो जो भी बच्चा आना चाहे आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरी